बेचे जाने वाले चावल के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर घटिया दर्जे का मिलावटी चावल बेचने की घटना सामने आ रही है। पुलिस ने मिलावटी चावल बेचने वाले इतवारी और कलमना के अनाज व्यापारियों पर छापा मारा। कार्रवाई में करीब 500 बोरी चावल पुलिस ने जब्त किए हैं, जबकि आरोपी पिता और बेटे के खिलाफ लकड़गंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्यापारी कन्हैया बजाज और उसका बेटा अजय बजाज अंजलि इंटरप्राइजेस नाम से कलमना में दुकान और इतवारी में ऑफिस चलाता है। यह दोनों ही तेलंगाना के गंधार रेड्डी की भव्य श्री सिल्क सिरोटेक्स राइस इंडस्ट्रीज का अब्बा हुजूर नाम से बेचे जाने वाले चावल के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर उससे मिलता जुलता नाम भव्य लक्ष्मी सिल्की सिरोटेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से मिलावटी चावल बेचते थे, जिसके बाद कंपनी के नाम से घटिया दर्जे का चावल बेचकर ग्राहकों को ठगे जाने की शिकायत लकड़गंज पुलिस को मिली थी। पुलिस ने बजाज पिता पुत्र के कलमना मार्केट स्थित दुकान और इतवारी स्थित ऑफिस पर छापा मारा। बजाज पिता पुत्र ने यह मिलावटी माल अनेक व्यापारियों को बेचा था, जिसमें किस्मन चंद लेखवानी, इतवारी प्रेमचंद दास, इतवारी अनाज बाजार, प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी, गणेश ट्रेडर्स, कलमना मार्केट, श्रीनाथ ट्रेडर्स कलमना का समावेश है। पुलिस ने इन व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर भी छापामार कार्रवाई कर मिलावटी चावल की बोरियां जब्त की है। मिलावटी चावल की कुछ बोरियां वाहन में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी, जिनमें से कलमना में जब्त किया गया है। कलमना और इतवारी से पुलिस ने करीब 500 बोरी चावल जब्त किए हैं। साथ ही नामी कंपनी के नाम से घटिया दर्जे का चावल बेचकर ग्राहकों को ठगने वाले बजाज पिता पुत्र के खिलाफ भांधवी की धारा 420, 464, 471 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जबकि आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 20 फेब्रुवारी रोजी पोलीस स्टेशनला संतोष रेड्डी, गंथा कृष्ण रेड्डी राहणार नलगोंडा तेलंगणा यांनी तक्रार दिली की त्यांचा एक अब्बा हुजूर नावाचा राईस हा सर्व भारतात सप्लाय होतो। त्याचं ऑफिस इतवारा येथे बुतळा चेंबरला आहे। त्याच्या मॅनेजरच्या आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की अब्बा हुजूर नावाच्या चावळ राईसचं डुप्लिकेशन होत आहे आणि तो बाजारात मोठ्या प्रमाणात विकला जात आहे। अशा प्राप्त तक्रारीवरून त्यांच्यासह जाऊन आम्ही प्रत्येक इतवारीच्या दुकानात काही ठिकाणी आणि त्यांना माहिती असलेल्या ठिकाणी शहानिशा केली असता आमच्या असं लक्षात आलं की अब्बा हुजूर नावाचे डुप्लिकेट राईस हा मार्केटमध्ये विकला जात आहे। त्यावरून 420, 468, 471 IPC गुन्हा नोंद केला व पुढील तपास केला। त्यात असं लक्षात आलं की एक आरोपी नामे कन्हैया बजाज व अजय बजाज यांची कळमना मार्केटमध्ये एक गोडाऊन आहे, त्या ठिकाणी यांचं रिपॅकिंग चालत होतं आणि तिथून ते डुप्लिकेट राईस पूर्ण मार्केटमध्ये सप्लाय करत होते। आम्ही 200 पोते डुप्लिकेट राईसचे भरलेले जप्त केले आणि तसेच ते पोते जे प्रिंट करतात ते प्रिंटरसाठी लागणारे डाय त्या पण जप्त केले आहे। एक वाहन त्यांच्याकडून जप्त झालेलं आहे। असा एकूण 3.5 ते 4 लाखाचा मुद्देमाल आम्ही आतापर्यंत जप्त केला आहे। आरोपींना विचारपूस सुरू आहे। आरोपींना सविस्तर विचारपूस करून पुढील कारवाई करण्यात येते। यामध्ये जे आरोपी इन्वॉल्व आहेत त्यांना तर आम्हाला विचारपूस करून कायद्यानुसार प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे। पुन्हा काही प्रिंटिंग डाय कुठं बनवली काय बनवली याबाबत पण तपास बाकी आहे। या सर्वांवर आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।